हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी तथा माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से जुड़े सभी जानकारियाँ महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज फिर से एक नया अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आप सभी जानते हैं कि पहली मेरिट जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी यूजी की जारी की जा चुकी है और उसके अंतर्गत जो डेट रखी गई थी, यानी कि जिस डेट तक आपके एडमिशन होने थे पहली मेरिट के अकॉर्डिंग, वो 31 तारीख यहाँ पर रखी गई थी, यानी कि 31 अगस्त तक आपके एडमिशन होने हैं। तो यानी कि कल का डे हो रहा है आपके पास जिसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज डाटा जो है जारी किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि भाई पहले दिन कितने लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं और पहली मेरिट के अकॉर्डिंग कितनी सीटें अभी वापस यानी कि बची हुई हैं जिन पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि सेकंड मेरिट आपकी कब लागू होने वाली है, यानी कि कब जारी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले रेगुलर अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखें, यहाँ पर यूजी कोर्सों में पहले दिन हुए 10,226 दाखिले, यानी कि टोटल पहली मेरिट के अकॉर्डिंग पहले दिन 10,226 लोगों ने यहाँ पर एडमिशन जो है अपना कंफर्म करा लिया है। और मेरिट से न्यूज़ जो है प्रकाशित की गई है, लिखा हुआ है कि सीसीएसयू कैंपस और कॉलेज में यूजी कोर्सेज में सोमवार को 10,226 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिए। सबसे ज़्यादा एडमिशन बीए में हुए हैं। एडेड और राजकीय कॉलेज में पहले दिन कम एडमिशन हुए हैं। मेरठ कॉलेज और डीएन कॉलेज में मंगलवार से ऑनलाइन एडमिशन होंगे, यानी कि कुछ कॉलेजों में ऑफलाइन हुए हैं और कुछ में ऑनलाइन एडमिशन कराए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनएएस कॉलेज में सिर्फ 10 एडमिशन हुए हैं, आरजी कॉलेज में 52, इस्माइल कॉलेज में 20, कनोहरलाल में 53 और शहीद मंगल पांडे में 7 एडमिशन हुए हैं। मेरठ कॉलेज में प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर हरिशंकर राय ने बताया कि कॉलेज में मंगलवार को ऑनलाइन एडमिशन होंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर फार्म पूरा करने के बाद ही उनका प्रिंटआउट कॉलेज में जमा कर दें। डीएन कॉलेज के प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनोज सिंह ने बताया कि उनके यहाँ भी एडमिशन ऑनलाइन मोड में ही होंगे। जिलेवार बात करें तो मेरठ में 2,240 एडमिशन हुए हैं और मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में हुए 10,226 एडमिशन में 5,879 लड़के और 4,747 लड़कियां हैं। तो दोस्तों, पहली मेरिट के अकॉर्डिंग पहले दिन 10,240 एडमिशन जो है वो कराए गए हैं और इनमें से जो है दोस्तों 4,747 आपकी लड़कियां हैं और बाकी जो बचे हैं वो यहां पर लड़के हैं। और दोस्तों, सेकंड मेरिट आपकी जो है 2 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। जैसे ही इन कोर्सेज में सभी के एडमिशन हो जाएंगे, सेकंड मेरिट भी जल्दी जारी आपकी कर दी जाएगी। लगभग 2 से 3 अगस्त सितंबर में आपकी जो है वो मेरिट आपको देखने को मिल सकती है और शाकुंभरी विश्वविद्यालय की मेरिट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी यूजी की, उसमें आपके जो यूजी के एडमिशन है वो होने शुरू हो जाएंगे। और पीजी कोर्सेज की बात करें तो पीजी कोर्सेज की डेट जो बढ़ा दी गई है, अब आपके 15 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यूजी का, उसके बाद ही आपकी मेरिट जो है जारी की जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में यही था आप लोगों को बताने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने अभी तक एडमिशन अपना नहीं कराया तो अभी आप अपना एडमिशन कन्फर्म करा लीजिए, क्योंकि मेरठ मंडल के जितने भी जिले हैं उनमें आपका जो एडमिशन है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा और सहारनपुर मंडल के जितने भी जिले हैं उनके जो एडमिशन है दोस्तों वो माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के द्वारा कराया जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।